क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। एक बिल्कुल खंडहर हो चुका सरकारी स्कूल, न छत, न बिजली, न पानी, न कोई और मौलिक सुविधाएं। मात्र 5 छात्र और उनके लिए तैनात थे 5 शिक्षक और 2 चपरासी। अब आप सोच सकते हैं, क्या कल्पना भी कर सकते हैं, मात्र 12-13 साल के भीतर ही आज उसी स्कूल में सैकड़ों छात्र छात्राएं न सिर्फ शिक्षा पा रहे हैं, छात्रावासों में रह रहे हैं, बल्कि उन सब की शिक्षा, रहना, खाना पीना सब मुफ्त, बिल्कुल निःशुल्क। और हाँ, आज भी वो सरकारी स्कूल ही है। इस देहरादून के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का चमत्कारी कायाकल्प करने वाले हैं प्रात स्मरणीय, वंदनीय, आदर्श गुरु हुकुम सिंह इलियाल। देहरादून का पहला 205 साल पुराना स्कूल, मौजूदा इमारत 190 साल पुरानी। साल 2008 में यह संस्था अंतिम सांसें ले रही थी, तभी तबादला हुआ एक नए प्रधानाध्यापक हुकुम सिंह उनियाल का। बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुके इस विद्यालय को पुनर्जीवित और प्रतिष्ठित करने के स्पष्ट निर्देश के साथ। उस समय ये बिल्डिंग खंडहर नुमा हो चुकी थी, इसकी छत की सारी लकड़ियां सड़ गई थी और चादर जो थे इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए थे। कमरों के अंदर से आसमान दिखता था, पानी का तालाब कमरों के अंदर बना रहता था। जो हेडमास्टर का रहने का कमरा था उसकी जो सीलिंग थी वो 27 फुट से गिर करके 7 फुट पर बांस के डंडों से रोकी हुई थी। बिजली नहीं था, पानी नहीं था, एक टॉयलेट भी नहीं था, कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। इस तरह 1 मई 2008 को बचे थे बस 5 विद्यार्थी, 5 अध्यापक और 2 चपरासी। मरम्मत के लिए कोई सरकारी फंड नहीं, क्योंकि किराए की इमारत थी। और यहीं से शुरू हुआ गुरु उनियाल का प्रेरणादायक संघर्ष। पत्नी की मीटिंग से 10,000 रुपए उधार लिए, साथ ही रिश्तेदारों से कुल 4,26,000 रुपए भी इकट्ठा कर 2 महीने में इमारत को काम लायक बना डाला। तब विद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए गुरु उनियाल ने शिक्षा निदेशक को एक नायाब प्रस्ताव भेजा, जिसको कोई नहीं पढ़ा सकता उसको हम पढ़ाएंगे के मूल मंत्र के साथ। मैं उत्तराखंड राज्य के ऐसे बच्चों को जो कि अपने विद्यालयों में 2 साल फेल होने के बाद उनका नाम काट दिया कि तुम नहीं पढ़ सकते, या कुछ बच्चे किन्हीं अन्य कारणों से ड्रॉप आउट हैं या आउट ऑफ स्कूल हैं, उन सभी बच्चों को यहाँ पर फ्री लॉजिंग बोर्डिंग की सुविधा के साथ में प्रवेश देने की बात की थी। साथ ही गुरु उनियाल को यह भी विश्वास था कि देहरादून के सामर्थ्यवान शिक्षा प्रेमियों की मदद से यह प्रयास अवश्य सफल होगा, सरकारी बजट के बिना भी। उन्होंने अपनी अनुमति में यही उल्लेख कर दिया कि विभागीय बजट का प्राविधान नहीं है, यदि आप समुदाय की सहायता से ये कार्यक्रम चलाना चाहते हो तो कार्यक्रम बहुत अच्छा है, अनुमति दी जाती है। और मैंने उसी दिन अनुमति मिलते ही इस समाचार को प्रकाशित करवा दिया। 12 जुलाई 2008 को अखबार में यह इश्तेहार प्रकाशित हुआ और 24 जुलाई को ही 42 छात्रों का दाखिला हो गया। इसके साथ ही गुरु उनियाल जुट गए इन सबके रहने, खाने, पढ़ाने की व्यवस्था में। अपने एक दुकानदार को तय कर दिया कि तुम्हें मैं 1 महीने में वेतन मिलने पर भुगतान करूंगा, आप हमको राशन देते रहिएगा। वो राजी हो गया और पत्नी को रसोईया बना दिया, बेटी को वार्डन बना दिया और अपना हमें पढ़ाने लिखाने की गतिविधियों में लग गया। मेरे साथ जो और टीचर थे पढ़ाने में उनकी भी रुचि थी, 4 लोग जो और थे वो भी पढ़ाने लग गए। इलाके के बुजुर्ग गुरु उनियाल के शुरुआती संघर्ष का सम्मान करते हैं। उनियाल जी बड़े महान पुरुष है, महान पुरुष है। इन्होंने अपनी माँ की पेंशन से जो पैसे मिलते थे उससे बच्चों को खाना खिलाया है। अपनी पत्नी को कहा तुम खाना बनाओ, तुम गरीब बच्चों को खिलाओ। अपनी माँ की पेंशन के साथ साथ पत्नी की जमा पूंजी और अगले 6 महीने तक अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह भी
गुरु उनियाल ने इसी पुण्य काम में झोंक दी। तब सामने आई मीडिया की सकारात्मक भूमिका। दिसंबर 2008 में एक हिंदी दैनिक में इनके सराहनीय काम की खबर छपते ही जनवरी 2009 से मददगारों की लाइन लग गई, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ विमेंस एसोसिएशन, रामकृष्ण मिशन के निर्विकल्पानंद महाराज, रिटायर्ड सूबेदार डंडवाल जी, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, 5 लाख रुपयों की लाइब्रेरी का सहयोग करने वाले हर्षपति उनियाल और इन सब में सबसे प्रमुख सहयोगी रही हैं शाइला ब्रिजनाथ और इनकी आसरा ट्रस्ट। मेरी मुलाकात शाइला ब्रिजनाथ जी से हुई। शाइला ब्रिजनाथ जी को किसी ने बताया कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है तो आप उनियाल जी के पास चले जाओ। गुरु उनियाल के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए आज 1000 से ज्यादा सहृदय मददगारों की श्रृंखला है। जब सर 2008 में सर उनियाल जी यहाँ पर आए तो उसके 3-4 साल बाद में उनके साथ 2012 से मैं सर के साथ जुड़ गई थी और फिर धीरे धीरे चलता रहा। विपक्षी पार्टी जो भी सर की सर की हेल्प करनी होती थी वो मैं करती थी। इन सब के बीच मई 2008 से ही अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाली उनियाल जी की पत्नी पिंगला उनियाल और बीते 10 साल से यहाँ के छात्रावास की वार्डन संगीता तोमर आज की सफलता पर खुश भी हैं और भावुक भी। सब ठीक हो रहा है, बच्चे भी, मेरा पहले का बैच का बच्चा अच्छा है, अभी भी मेरे को बोलते हैं कि हमारी माँ है, इसी में मैं खुश हूँ। बस क्या चाहिए मेरे को। और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। 2011 में जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगा था मैं एक पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पर करूँगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन धीरे धीरे मैं बच्चों के साथ इतना मिक्सअप हो गई है कि मुझे आज खुद विश्वास ही हो रहा है कि मुझे 10 साल यहाँ पर बच्चों के साथ काम करते हुए और आज का जो मेरा डिसीजन है मैं इनको छोड़ के जा ही नहीं सकती हूँ, ना मैं रह सकती हूँ इनके। कुल मिलाकर बीते 12-13 वर्षों में इस विद्यालय के ढांचागत सुधारों में करीब 2 करोड़ रुपयों के सहयोग राशि का सदुपयोग हो चुका है। कालांतर में सरकारी मदद भी मिलने लगी। आज कुल 275 लड़कियां और 178 लड़के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक गुरु उनियाल के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास भी आवंटित है, क्योंकि यह पूर्व माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए ही मान्य है, अतः बाकी के कक्षाओं के छात्र छात्राओं के रहने खाने पढ़ने की व्यवस्था खास तौर पर आसरा ट्रस्ट और अन्य जन सहयोग से हो रही है। यहाँ के बालिका छात्रावास की करीब 100 सीनियर छात्राएं कुछ ही महीनों में देहरादून के ही बनिया बाग इलाके के इस नए भवन में चली जाएंगी। मैं आपको यह नहीं दिखाना चाह रहा कि इस समय मैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध सचिवालय भवन के सामने खड़ा हूँ, बल्कि यह जानकारी साझा कर रहा हूँ कि यही वो टिपरा हाउस है जहाँ साल 1943 से 1953 के बीच किराए पर एक सरकारी स्कूल चला करता था। पूरी जानकारी के लिए आइए नजर दौड़ाते हैं देहरादून और मसूरी इलाके के सबसे पुराने स्कूल के 205 साल के इतिहास पर। देहरादून के पल्टन बाजार इलाके में यह है शहर की कोतवाली। आज से 205 साल पूर्व 1816 ईस्वी में इसी स्थान पर स्थित तत्कालीन भवन में अंग्रेजों ने कक्षा 8 तक के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 1816 में अंग्रेज गवर्नमेंट ने जब देहरादून को अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने देहरादून में एक देहरा तहसील का गठन किया और विभिन्न विभागों के लिए 300 सरकारी मुलाजिमों की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग के लिए एक मिडिल स्कूल खोला जो कि इसी स्थान पर खोला था और उसके लिए 6 अध्यापकों की भी व्यवस्था की थी। इसी स्थान पर वह तहसीली मिडिल स्कूल 1816 से 1943 तक चला। साल 1943 में अंग्रेजों ने इस स्थान को शहर की कोतवाली के लिए चुना और उस स्कूल को तत्कालीन टिपरा हाउस में स्थानांतरित कर दिया। आज जिस टिपरा हाउस में उत्तराखंड का सचिवालय स्थित है वहीं वह स्कूल 1943 से 1953 तक चला। साल 1953 में यह राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरा साल 1830 में बने अपने इस मौजूदा इमारत में आ पहुंचा।
मालिकाना हक को लेकर कानूनी पचड़े में पड़े 190 साल पुराने इस भवन से भी इस ऐतिहासिक विद्यालय की विदाई की संभावना है। एक प्रस्तावित समझौते के तहत निकट भविष्य में इस विद्यालय को देहरादून के राज पैलेस इलाके के इस आधुनिक भवन में एक नया ठिकाना मिल सकता है। इतने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भला कौन माँ अपनी छाती से अलग करेगी, पर इन सबको यहाँ इतने प्यार दुलार समझदारी और अपनापन के साथ रखा जाता है कि इनमें से शायद ही किसी को अपने माता पिता की याद सताती है। किसी भी विद्यालय विशेषकर आवासीय विद्यालय की गुणवत्ता की परख चार प्रमुख बिंदुओं से की जा सकती है, रहने, खाने, खेलने और पढ़ने की व्यवस्था। इस राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरा में देखिए रहने की, खाने की, खेलकूद की और पढ़ाई की उत्तम व्यवस्थाओं को। मुझे लगता है देहरादून में शायद उनकी प्राइवेट हॉस्टल भी जितना फैसिलिटी वाला नहीं होगा जितनी फैसिलिटी यहाँ बच्चों को मिलती है, चाहे खाने से लेके हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे उनके मेडिकल से लेके हो। यहाँ से पढ़कर निकल चुके या पढ़ रहे छात्र छात्राएं भी इस बात को मानते हैं। हमको कभी भी अपने पेरेंट्स का मतलब तो ऐसा नहीं लगा कि हम अपने पेरेंट्स से दूर हैं, वो भी क्योंकि उन्हें आकर की मम्मी भी हमारे साथ रहती थी, उनके वाइफ भी और उनके बच्चे भी ऐसे भी हुए और अपनी दीदी भी, तो हमको मतलब कभी पेरेंट्स का वो हुआ ही नहीं कि हम पेरेंट्स से दूर हैं। सर यहाँ पर मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है और यहाँ के जो मैम और सर वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड करते हैं। मुझे यहाँ पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। मुझे यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। यहाँ के बच्चे भविष्य के लिए अनेकों सपने संजो रहे हैं। तो आगे क्या बनना है बेटा? सर आर्मी, आर्मी ऑफिसर। यस सर। मेरे लिए पढ़ाई बहुत मायने है और मुझे डीएम बनना है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मुझे अपने मम्मी पापा का और अपने स्कूल का, अपने सर का नाम रोशन करना है। सर बड़े होके मेरे को एक्टर बनना है जिसमें मुझे बहुत रुचि है और सर मैं उस चीज में ज्यादा फोकस भी करता हूँ। स्पष्ट है कि अगर भारत भूमि का हर गुरु हुकुम सिंह उनियाल जैसा हो तो देश का हर बच्चा अपनी अपनी प्रतिभा के चरम पर अवश्य पहुंचेगा। देहरादून के इस मशहूर घंटाघर को भला कौन नहीं जानता, पर इसी घंटाघर के पास वाले चौराहे की एक दिल छू लेने वाली कहानी को शायद बहुत लोग नहीं जानते। आइए देखते हैं चांदनी का चमत्कार। गुरु उनियाल के बालिका छात्रावास में खुशी खुशी बैडमिंटन खेलती चांदनी पासवान। क्या आप विश्वास करेंगे कि जन्म से ही इसके पास एक हाथ और एक पैर नहीं है? कुछ सालों पहले तक देहरादून के घंटाघर के पास भीख मांगने वाली बच्ची चांदनी के जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। गुरु उनियाल और शाइला बिजनाथ के समर्पण और जुझारूपन से। So Chandni was a beggar at Darshanlal Chowk, which is where we first met her. She was born with one arm and one leg. Then she needed to be mainstreamed in Unyalji's school because her parents put her back at the chowk to beg for the family. She was the main breadwinner. So now we needed to find a way to stop this. दरअसल शाइला की आसरा ट्रस्ट गरीब बेसहारा बच्चों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार में जुटी है। बच्चों की भलाई से जुड़े कई कार्यक्रमों में गुरु उनियाल और शाइला साझा काम कर रहे हैं। चांदनी की पढ़ाई उसी की एक बानगी है। उस दिन उसकी माँ अड़ गई थी कि चांदनी पढ़ ही नहीं सकती। उसकी माँ ने बोला नहीं नहीं कोई नहीं पढ़ा सकता। फिर कुछ ऐसी प्रेरणा हुई, मैंने कहा मैं एक महीने में इसको पढ़ा के दिखाऊंगा और अगर एक महीने में नहीं पढ़ाया तो जितना एक महीने में ये पैसा कमाती है उतना पैसा भी लौटाऊंगा तुझे और अपनी बेटी को लेके आ जाऊंगा। भीख मांगने से पैसा कमाती है? जी जी जी। भीख, उसने बोला मैं 1,000 रुपये रोज कमाती हूँ। मैंने कहा 30,000 रुपये दूंगा तुझको। खैर 30,000 रुपये वापस करने की नौबत नहीं आई।
उस वाकये को 5-6 साल का समय गुजर चुका है और आज चांदनी 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। भविष्य में टीचर बनने का सपना संजोए। तो मुझे सर ने ठान लिया, फिर सर ने भी ठान लिया कि मैं इसको पढ़ाऊंगी, मैम ने भी ठान लिया कि इसमें पढ़ाऊंगी, मैं भी ठान लिया कि मैं भी पढ़ूंगी। आज मैं पढ़ के मैं बहुत आगे तक क्लास में पढ़ रही हूँ। मैं बड़े होके मैं टीचर बनना चाहती हूँ। चांदनी की कहानी तो बस एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है अनेक चांदनियों को अपनी भरपूर रोशनी बिखेरने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे स्कूल के एक प्रिंसिपल को जब ट्रांसफर कर दिया गया तो बदले में उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। देखते रहिए क्या बात। प्रधान अध्यापक हुकुम सिंह उनियाल का कि राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरा अब अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवा चुका है। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे पूर्व छात्रों से जो यहां से पढ़कर अब अपनी आगे की जिंदगी की सफल शुरुआत कर चुके हैं। आज भले ही देहरादून और मसूरी में नामी गिरामी स्कूलों की भरमार है, पर इतिहास के पन्नों में कभी इस तहसीली मिडिल स्कूल की भी तूती बोलती थी। यहां पढ़ चुकी हस्तियों में साल 1930 के नमक आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख साथियों में से एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महावीर त्यागी और देहरादून नगर पालिका के पहले अध्यक्ष मास्टर राम स्वरूप इसी राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरा से पढ़कर निकले थे। गुरु उनियाल द्वारा इस विद्यालय के वर्तमान को भी संवारे जाने के बाद यहां से निकलने वाले छात्र अब अपने भविष्य की ओर विश्वास के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। मैं वर्तमान में अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूं और प्रशासनिक सेवा में देश के लिए कुछ करने का जज्बा सिर्फ सर से ही मिला है। उनको ही देखकर ये देश की सेवा का एक भाव अंदर उन्हीं को देखकर ही आया है। यूट्यूब के क्षेत्र में ही काम करना चाहता हूँ, मतलब फिल्मी दुनिया में और राइटिंग में। लिखना मुझे काफ़ी पसंद है, मैं पोइट्री लिखता हूँ, शेर और शायरी करता हूँ, माइक्स में करता हूँ। और जो मैंने यहाँ से सीखा है उसके दम पर मैं ये कह सकता हूँ जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, कठिनाइयाँ आए, लेकिन मैं हार नहीं सकता। आसरा ट्रस्ट एक NGO है, एजुकेशन ट्रस्ट, उसमें जुड़े। अभी मैं वहीं से पास आउट होकर 12th करके फिर ग्रेजुएशन भी मेरी वहीं से हुई है स्पॉन्सरशिप के लिए, कर भला तो हो भला, यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। उनियाल जी के संदर्भ में तो यह बात बिल्कुल सच साबित हुई है। यह इनके सत्कर्मों का ही फल है कि जब इनके ट्रांसफर का आदेश पारित हुआ तब इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और जब ये रिटायर हुए तब एक ऐसा जॉब ऑफर आया कि आप सोच भी नहीं सकते। इस विद्यालय में इतना अद्भुत काम करने के बावजूद जब प्रधान अध्यापक हुकुम सिंह उनियाल का साल 2015 में स्थानांतरण कर दिया गया तब देहरादून के लोग इतने उत्तेजित हुए कि प्रशासन को झुकना पड़ा। यहाँ पर जो ना उनियाल जी के ट्रांसफर कर दिया था सरकार ने, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैं क्या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गया, मैंने कहा जी हम सरकार में बैठे हुए हैं क्या यही सब काम के, उसमें क्या बात हो गई तुम बताओ मुझे। तो फिर वो जो डायरेक्टर साहब थे, डायरेक्टर जनरल थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने उनको बुलाया यहीं पर आकर के, उनको मैंने दिखाया तो कहने लगे आई एम सॉरी और यही ट्रांसफर कैंसिल किया। बात ट्रांसफर कैंसिल करने तक ही नहीं रुकी। शिक्षा विभाग के प्रमुख ने उस साल राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार पाने वालों की सूची में भी प्रधान अध्यापक हुकुम सिंह उनियाल का नाम जुड़वाया। 2015 में मुझे राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चयन कर दिया, जो कि 5 सितंबर 2016 को मुझे माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के हाथों से दे दिया गया और उसमें मुझे 50,000 रुपये का नगद भुगतान उनके द्वारा किया गया था
तो वो 50,000 रुपये मैंने इस विद्यालय को ही वापस दे दिए। इलाके के लोग गुरु उनियाल के सरकारी सेवानिवृत्त होने के बाद की योजना भी बना चुके हैं। हमारा तो मिशन है इनके रिटायरमेंट के बाद हम एक ऐसा ही स्कूल बनाना चाहते हैं दूसरी जगह पे, जहाँ केवल अनुदान से ही काम हो, कोई सरकारीकरण ना हो उसका, और वहाँ पर सारे बच्चे फ्री एजुकेशन हो, अनुदान से ही, मतलब हमारे जो है सहयोग से ही हो, समाज के सहयोग से हो, पर उनियाल जी की जो सेवाएँ हम उसमें लेना चाहते हैं। तो शहर के लोग गए नगर निगम के मेयर साहब के पास और बोलते हैं कि उनियाल तो रिटायर हो रहा है, इनको चुपने बैठने देंगे, इनकी सेवाओं का हम लाभ लेंगे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने एजेंडे में रखा इस प्रस्ताव को और 5 बीघा जमीन एजेंडे में स्वीकृत करवा दी है नगर निगम ने कि उनियाल के रिटायर होते ही जो है तो 5 बीघा जमीन में ऐसा ही कार्यक्रम चलाएंगे। गुरु उनियाल ने भी शहर के लोगों को आश्वस्त किया है कि जब तक शरीर में शक्ति रहेगी और पारिवारिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी, वो शिक्षा से जुड़ी ऐसी ही समाज सेवा में जुटे रहेंगे। देहरादून के इस 205 साल पुराने विद्यालय को पुनर्स्थापित और प्रतिष्ठित कर अपने अद्भुत सेवा भाव से न जाने कितने छात्र छात्राओं के जीवन में सुखद कायाकल्प करने वाले गुरु उनियाल जी के बारे में जानकर आप अवश्य बोल उठे होंगे, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया है। नमस्कार।